गुड इवनिंग फ्रेंड्स टुडेज़ टॉपिक इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हम कुछ छोड़ेंगे नहीं इससे रिलेटेड कोई भी बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो आपका कंट्री का लॉ ऑफिसर कौन सा होता है स्टेट का कौन सा होता है इनके क्या क्या फंक्शंस हैं इनका जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा होता है इनका रूमल प्रोसेस कैसा है इवन हम इनकी पेमेंट तक की बात करेंगे कि इनका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है सो आई होप लेट स्टार्ट और दिस इज द वी विल स्टडी इन द डिफरशियेटिव वे मैं चाहता तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सोलिसर जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल पे अलग से भी वीडियो बना सकता था लेकिन मैंने इनको एक ही वीडियो में कवर किया है और बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंशियट डिफरेंशिव तरीके से uh, हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड राइट साइड एडवोकेट जनरल वो हर स्टेट में हर स्टेट का अपना एक एडवोकेट जनरल होते हैं दोनों ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं यू नो वी हैव द फेडरल स्ट्रक्चर तो आपका एक साइड आपकी यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है दूसरी साइड आपकी स्टेट गवर्नमेंट है सो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द अपॉइंटमेंट बाई द प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल सेवेंटी सिक्स इन केस ऑफ द एडवोकेट जनरल बाई द ही इज़ अपॉइटेड बाई द गवर्नर अंडर आर्टिकल वन सिक्स फाइव द क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द अटर्न जनल ऑफ इंडिया इज लाइक ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए लाइक इमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए एडवोकेट टेन ईयर्यर्यस इन दाईकोर्ट होना चाहिए फाइव ईयर्स आपका हाईकोर्ट के जज होने चाहिए वो सक्सेसिव हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं आपको पता ही ये सारा कि मान लिया दो साल हरियाणा हाईकोर्ट में दो साल आपका दिल्ली हाईकोर्ट में एक साल राजस्थान हाईकोर्ट में तो इन टोटलिटी वो फाइव ईयर होना चाहिए लेकिन एडवोकेट जनरल के केस में देखें क्वालिफिकेशन में वो हाईकोर्ट के जज वाले क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं जुडिशल ऑफिस टेन ईयर्स तक के हल के हो या एडवोकेट टेन ईयर्स के लिए हो लेकिन यहाँ पे एक जो आपको पॉइंट याद रखने की बात है कि वो इमिनेंट ज्यूरिस्ट वाला क्लॉज नहीं है इसमें राइट right? तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो क्वालिफिकेशन किया होगा तो उसमें भी बात आई होगी तो आपको याद रखना है टर्म नॉट फिक्स्ड इनकी टर्म नहीं है डिपेंड अपॉन द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल सेवेंटी सिक्स क्लॉज फोर सेम केस विद द एडवोकेट जनरल ही इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो हम सर्विसेज में करेंगे जो सर्विस के ऊपर टॉपिक करेंगे सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स फोर्थ टाइमिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि प्लेजर ये होता है कि द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड यू एंड एंड द गवर्नर इज द गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद योर द वे ऑफ फंक्शनिंग सो यू मे बी किड ऑफ यू मे बी फाइड एट एनी टाइम तो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इन प्योर टर्म्स रेजिग्नेशन अटोन चल ऑफ इंडिया ही विल सबमिट टू द प्रेजिडेंट अगर वो अपने टाइम से पहले छोड़ना चाहते हैं तो वो प्रेजेंट को सबमिट कर सकते हैं uh, आपका जैसे इसमें सेम इज इजर अगर आपका एडवोकेट जनरल है तो गवर्नर को सबमिट करेगा कन्वेंशन क्या रही है कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हो या एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट हो क्योंकि वो लगते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है गवर्नमेंट बदल जाती है तो ऐटोमेटिकली दे लॉस्ट द फेथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द कैबिनेट क्योंकि जिन्होंने लगाया जब वो खुद जा रहे हैं तो आपको भी चले जाना चाहिए राइट इन सिंपल वे तो ये ऑटोमेटिकली जल्दी कन्वेंशन नहीं आ रही है कि जैसे मान ली आप के के वेुगोपाल साहब हैं बीजेपी गवर्नमेंट लगाए तो मोमेंट द सपोज नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की आ जाती है किसी और की कॉलेजिंग गवर्नमेंट आ जाती है तो ये एज पर कन्वेंशन ही विल ऑटोमेटिकली रिजाइन ऐसा कुछ मैडेट्री नहीं है लेकिन मोमेंट क्या होगा दूसरी सरकार आएगी और वो फिर अपनी डॉक्टर प्लेजर इन्वॉव करके उनको निकाल देंगी राइट मो टू द नेक्स्ट स्लाइड देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा कि सेकंड शेड्यूल है तो उनका बता रखा है आपको किसका क्या लेकिन ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह ये जरूर है लेकिन इनकी सैलरी फिक्स नहीं है तो द सैलरी वुड बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट और इन केस ऑफ द एडवोकेट जनरल डिटरमाइंड वाय द गवर्नर अब ड्यूटीज एंड फंक्शन देख लीजिए आपका जो अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सीरियल नंबर सेवन पर जो मैंने लेफ्ट साइड में द ही इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल करेक्टर्स विच आर रेफर्ड बाई द द प्रेजिडेंट और अदर फंक्शंस कंफर्ड बाई हिम बाई द कॉन्स्टिट्यूशन और बाई एनी अदर लॉ अगर कोई बात में लॉ बना दिया कोई एक्ट बना दिया और उसमें उसमें अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कोई ड्यूटी कास्ट कर दी तो वो भी आपको ए, इनको एजी को फंक्शन करने पड़ेंगे टू अपियर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अगर मैं नट सेल में कहूं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़े वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपियर होंगे या कई बार आपने देखा होगा अंडर आर्टिकल वन फोर्टी थ्री में प्रेजिडेंशियल रेफरेंस होता है प्रेजिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं ओपिनियन के लिए तो वहाँ पे फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड रिप्रेजेंट करेंगे और टू अपियर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हाई कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न तो ये बहुत जो टॉप प्रायरिटी के जो केसेज होते हैं जहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टली मॉनिटरिंग करना चाहती है तो उन केसेज में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लगाया जाता है अब सेम केस आप देखिए एडवोकेट जनरल का रेमुनरेशन इनका फिक्स है नहीं मैंने बता दिया तो ड्यूटी जो फंक्शन के ऑलमोस्ट सेम है लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि ही इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एडवाइज ऑन लीगल मैटर्स एंड अदर ड्यूटीज़ ऑफ लीगल करैक्टर विच आर रेफर्ड बाय द गवर्नर और अदर फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ही सेम है सेम इसमें थे पर डिफरेंस क्या है कि आपको पता है कि गवर्नर प्रेजिडेंशियल रेफरेंस जैसे वन में भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे गवर्नर के पास पावर नहीं है तो ऑब्वियसली तो थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो रेंज है जो वर्क वर्क स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा सा लार्जर है वो टू द नेक्स्ट स्लाइड अब जो इनका राइट देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का और सेम वे एडवोकेट जनरल का द राइट ऑफ ऑडियंस ये आपके लिए मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी कंपिटेटिव चाहिए वो यू हो एस हो, हो आपका आपके ए का एग्ज़ाम हो आपका जुडिशल सर्विसज़ का एनी एनी एग्ज़ाम तो ये आपके आते हैं क्या अटॉर्नी जनरल को राइट ऑफ ऑडियंस है यस yes. वो किसी भी कोर्ट में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो जा सकते हैं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ इस ड्यूटी वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इवन किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं यू uh, आपका किसी भी ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोडिंग ऑफ बोथ ऑफ तो पार्लियामेंट ज्वाइंट सीटिंग एनी पार्लियामेंट का देखिए वो पार्लियामेंट के बहुत हाउसेज लोकसभा राज्यसभा में जा सकते हैं किसी पार्लियामेंट कमेटी में अगर उनको मेंबर बनाया गया या बुलाया गया तो उसमें भी जा सकते हैं तो उनका जो राइट ऑफ ऑर्डिंस इन कोर्ट राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसिडिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री फंक्शन वो जा सकते हैं बिल्कुल लेकिन जो पॉइंट जो आता है आपके क्वेश्चन में कंपिटेटिव एग्जाम में वो यही आता कि ही एज नो वोटिंग राइट सेम वे अगर आप देखेंगे आ, आपका एडवोकेट जनरल किस में भी ही एज राइट ऑफ ऑर्डिंस इन द कोर्ट विद इन द स्टेट विद इन द स्टेट मतलब जैसे अगर हरियाणा के आ, आपके एडवोकेट जनरल हैं तो विद इन द स्टेट ऐसे सेम वो आपके अगर लेजिलेटिव असेंबली हरियाणा में तो लेकिन कुछ स्टेट्स में लेजिलेटिव काउंसिल पे तो दोनों हाउस जहाँ या सिंगल हाउस यूनिकमिनल बाइकनल जो भी है तो जा सकते हैं लेकिन वोटिंग राइट यहाँ पर भी नहीं है कंसर्न आर्टिकल जो वन सेवेंटी सेवन तो जो स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स तो उनको स्टेट्स के आर्टिकल भी जरूर याद रखने चाहिए अब आपका ही ऑल द प्रिलिज एम्यूनिटीज एज लाइक एन द एम पी मेबर ऑफ पार्लियामेंट वन जीरो सेवन फाइव क्लॉज फोर ये जो आपकी प्रविलीजन uh, इम्यूनिटीज़ है ये मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है तो प्लीज़ गो टू दैट वीडियो कि उसमें दे कैन स्पीक और वो कुछ भी कर सकते हैं अंदर जो प्रोसीडिंग uh, के दौरान ठीक है दे आर फ्री फ्रॉम द लीगल इम्यूनिटीज़ तो सेम वे आपका 194 स्टेट्स के मामले में तो सेम यहाँ पर एडवोकेट जनरल भी आपके स्टेट लेजिस्लेचर में इन्जॉय करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड अब एट्थ पॉइंट जो लिमिटेशन ऑन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी क्या होता है बेसिकली कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी क्या होता है कि जो आपकी ड्यूटी बताई गई है आपको वही काम करना है ऐसा अगर कोई काम करोगे कि, कि जो आपके उस ड्यूटी के इंटरवेंशन करे यानी उसकी स्प्रिट के अगेंस्ट हो तो दैट इज़ अ कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी यानी मान ली अटॉर्नी जनरल क्या है कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो दूसरी पार्टी को भी सलाह दें तो उससे क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस कमजोर हो जाएगा दिस अमाउंट्स टू कन्फ्फन ऑफ ड्यूटी इन सिंपल वे ही इज़ नॉट स्पोर्ट्स टू एड एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट टू एडवाइज होल्ड ए ब्रीफ इन केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन विच हीज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज़ और अपीयर बिफोर द अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बोला है कि किसी केस में जाकर वो ब्रीफ करें एडवाइज करें और लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई एडवाइस किसी को नहीं देंगे ठीक है ही शुड नॉट डिफेंड द अक्यूज़ पर्सन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ये इंपॉर्टेंट है कि वो बगैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन के किसी भी अक्यूज पर्सन को वो डिफेंड नहीं करेंगे नॉट टू एक्सेप्ट एनी पोस्ट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो अगर किसी भी ऑब्वियसली अगेन कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी हो जाएगा कि वो गवर्नमेंट की परमिशन बगैर किसी कहीं पे भी एज ए डायरेक्टर कोई भी पोस्ट कंपनी कॉरपोरेशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेम थिंग सप्लाई एडवोकेट जनरल के ऊपर भी सारी की सारी यही चीज़ें लागू होती हैं बिल्कुल जो एज एजीसी में बोला मैंने सेम लिमिटेशन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया देखिए अब हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर लिया सिमिलरिटीज़ uh, अभी हमने डिफरेंस देखे थे अब सिमिलरिटीज़ देखिए ही इज़ नॉट ए फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो अटॉर्नी uh, जनरल लग गए या एडवोकेट जनरल लग गए और बाउंड हो गए और चौबीस घंटे सिर्फ वो गवर्नमेंट के बारे में ही सोचेंगे और गवर्मेंट केस में के, नहीं वो अपनी प्रैक्टिस लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी गवर्नमेंट सर्वेंट तो गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्विस रूल वगैरह उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं तो वो फुल फ्लैस गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं आते कैटेगरी में नहीं आते ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस बट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस से डिबार नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं पर जनरली इतना टाइम होता नहीं है प्रैक्टिकली ये और लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फ्लिक्शन में आएंगे तो वहाँ पर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर अगर ऐसा करते हैं तो डॉक्टर और प्लेजर इन्वॉव करके उनको हटा दिया जाएगा इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सेम भी एडवोकेट जनरल सब कुछ ही लागू होता है एडवोकेट जनरल भी इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है मू टू स्लाइड केस लॉज अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस uh, लॉ जो मैंने आपको बताए हैं अभी uh, 1994 के और टू नाइन्टी फोर के मैं बता रहा हूँ आपको जोगिंदर सिंह वर्षु वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब एडवोकेट जनरल और उसके जो लॉ ऑफिसर्स हैं यानी उसके जो सबॉर्डिनेट हैं उनका रिलेशन बताया है तो गवर्नमेंट का और लॉ ऑफिसर्स का रिलेशन है क्लाइंट एंड काउंसिल तो ये लॉ ऑफिसर हैं ये काउंसिल हैं और गवर्नमेंट क्या है कि ये क्लाइंट है जैसे आम केस में आपका क्लाइंट और काउंसिल होता है प्राइवेट कैपेसिटी में से यहाँ पर फिर आपका स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स वर्सेज यूपी स्टेट लॉ ऑफिस एसोसिएशन वाला एक केस था इसमें भी बोला एडवोकेट जर्नल इन इज ऑफिस डिपेंड्स एंड द डिफेंड्स एंड द प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी वो स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने लगाया उनको एंड गिवज़ द इन वैल्यूबल लीगल गाइडेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्मोलेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ़ इट्स डिसीजन अगर कोई लीगल मैटर पर कोई पॉलिसी बनानी है स्पोज मानिए मैं बताऊँगा अगर किसी की ट्रांसफर्स के इशू ट्रांसफ़र पॉलिसी बनानी है और कोर्ट में चैलेंज हो जाती है तो आपके जो एडवोकेट जनरल हैं वो गवर्नमेंट को सलाह ली जा सकती है और वो सलाह दे सकते हैं कि, कि किस तरीके से वो पॉलिसी है वो जुडिशल रिव्यूज़ पर स्टैंड कर पाए ताकि कोर्ट में सरकार अपना केस विन कर जाए जीत जाए राइट मोटू नेक्स्ट लाइट अब हम कम्पेरेटिव एनालिसिस करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल अभी अभी तक हमने जो किया है वो किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द एडवोकेट जनरल राइट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं नाउ कम टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा तो आज आपका वो डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्रिएटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या उसके जो और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इट इज अ स्टेच्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाई एन एक्ट अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसर जनरल एडवाइज द गवर्नमेंट एंड अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफिसर्स टर्म एंड कंडीशन रूल्स नाइनटीन एटी सेवन तो आपका ये एक तो स्टूडेंट्स को आई होप क्लियर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट की गई है राइट जैसे सुप्रीम कोर्ट है आपका हाई कोर्ट है आपका यू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है चीफ इलेक्शन कमीशनर है तो जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो आपका स्टेचुरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा जैसे एस एक्ट है तो एस बी आई के एल जो है आपके एल एक्ट के तहत की गई है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो क्रिएट की है एम यूनिवर्सिटी है तो एम एक्ट से क्रिएट तो वो सारी स्टेचुटरी बॉडी आती है वो ऑर्डनरी लॉ से बनी हुई है और यहाँ पर अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आपके जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होती है जो एक प्रोटोकॉल होता है कि उनकी रैंक स्ट्रेचर के हिसाब से अगर पब्लिक गैदरिंग हो तो उनको कैसे कैसे अलोकेट किया जाएगा तो ये आपका सेरेमनील होता है और आपकी होम मिनिस्ट्री की साइड पे आपको मिल जाएगा तो मैंने देखा तो ये सीरियल नंबर 11 पे आता है टोल जनरल ऑफ़ इंडिया यानी काफ़ी हाई पेडिस्ट्रील पर पे, काफ़ी हाई वेटेज दी गई है और सोलिसटर जनरल ऑफ़ इंडिया ये ट्वेंटी नंबर पर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस पे राइट मू टू तो द नेक्स्ट स्लाइड अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर 76 क्लॉज वन ऑफ द कॉन्स्टिटन बताई चुके हैं अब सोलिस जनरल देखिए अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो वो करते हैं सॉलिसर जनरल की और एडिशनल सॉलिसटर जनल की अपॉइंटमेंट द प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट सॉलिसटर जनरल और एडिशनल सॉलिसर जनरल इज जनरली मूड बाई द लेवल ऑफ द ऑफिसर ऑफ ब्यरोट्स जो लॉ सेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर स्टार्ट होता है जनली ज्वाइंट सेक्रेटरी इसको इनिशिएट करते हैं और आपके ये डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स के तहत होता है और उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अप्रूव लेके देन दिस प्रपोजल इज सेंट टू द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और वो इसको अप्रूव कर देती है और इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है मूव टू तो द नेक्स्ट स्लाइड अब ये मैंने अभी जो बात की था आपका ये ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है ये 1979 का जो लेटेस्ट ऑर्डर है इस पर प्रेजेंट सेक्रेटरी इसको इशू करता है जैसे जो टॉप में प्रोटोकॉल में आते हैं प्रेजेंट वाइस प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मैं हम जो टॉपिक से कंसर्न कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा ये सिक्स पे आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाइन्थ पे आते हैं अब राइट साइड देखिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इलेवेंथ पे आते हैं तो मतलब यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ट्वेल्थ नंबर पर आते हैं चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ फुल जनरल यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं तो उनसे भी एक स्टेप अपर प्रोटोकॉल में आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट नेक्स्टलाइट स्टैंडिंग ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कहाँ पर आते हैं ये ट्वेंटी थर्ड पर आते हैं और जब नीचे देखेंगे सोलिसटर जनरल तो यहाँ पर आते हैं सेक्रेटरी राज्यसभा लोकसभा सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी टू प्रेजिडेंट है ना तो इस कैटेगरी में आते हैं राइट टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी मैंने सोचा कि चलो स्टेट के भी देख लेते हैं कि स्टेट में जो अपने एडवोकेट जनरल थी ये कहाँ स्टैंड करते हैं तो मैंने हरियाणा गवर्नमेंट का निकाला है स्टेट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये ऑफिशियली सेरेमोनियल फॉर्म में होता है टू थाउजेंड का है लेटेस्ट और इसमें आप देखेंगे गवर्नर फोर्थ पे हैं नाइन्थ पे चीफ मिनिस्टर हैं ये थर्ड टू से क्योंकि ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को के लिए स्पेस रखा है अगर वो किसी स्टेट में जाते हैं तो अभी इसका प्रोटोकॉल में नंबर वन रहेंगे तो आपका देखिए अब इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ कंसेंट हाई कोर्ट तो वो सेवनटीन पे आते हैं आपके आ, और फिर उसमें एडवोकेट जनरल आपके राइट साइड में ट्वेंटी सिक्सथ पे हैं एडवोकेट जनरल और ये इक्वलेंट टू है आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जिस भी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और ये मेंबर से दो स्टेप नीचे हैं राइट right? तीन स्टेप नीचे हैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट आपके ट्वेंटी थर्ड पर है तो जस्ट है कि फेर आइडिया है आपका जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑलरेडी हो चुका है ये है आपका एक एक विजन ब्रॉड करने के लिए क्यूसिटी मू टू द नेक्स्ट स्लाइड ये पिक्चर है आपकी के के वेणुगोपाल जो लेफ्ट साइड में और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तो तुषार मेहता साहब आपके राइट साइड में बेसिकली गुजरात से हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट केस लॉज डिपेंड किए हैं और गुजरात का भी बोलबाला काफ़ी चल ही रहा है टू नेक्स्ट स्लाइड ये एक लिस्ट है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए अटॉर्नी जनरल से, से पहले फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आता है ऑब्जेक्टिव में एम सी स्टिल तो आप पता चल नेहरू के टाइम में थे और के के वेणुगोपाल जो है अभी फिलहाल तो मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर या तो आपके रहते हैं पहले वाले जो फर्स्ट Last. ये लास्ट ये तो बिल्कुल याद रखना चाहिए बाकी तो देखो इतना याद रहता नहीं है मोटर नेक्स्ट स्लाइड एक ये नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 1987 एटी सेवन अब अब इसमें देखेंगे कि uh, आपका दिस रूल मे बी कॉल्ड द लॉ ऑफिसर कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987 और आपका सेकंड क्लॉज जो होता है किसी भी बेरक्ट का मोस्टली सेकंड या थर्ड क्लॉज में डेफिनेशन होती हैं तो इसमें बता करके अटॉर्नी जनरल क्या है सॉलिसिटर जनरल क्या है एडिशन सॉलिसिटर जनरल और लॉ ऑफिसर इन एंड इंक्लूड्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडिशन सॉलिसिटर सारे के सारे इन सबको हम लॉ ऑफिसर बोलते हैं जर्नी प्रोटोकॉल में क्या है कि आपके जो अटॉर्न जनरल ऑफ इंडिया वो फर्स्ट रैंक पे आते हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके सेकंड रैंक पे आते हैं और ये सारे के सारे क्या हैं कि आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं और जितने भी एडिशन सॉलिसिटर जनरल हैं ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं मोटो नेक्स्ट लाइट ड्यूटीज ऑफ द लॉ ऑफिस अगर आप देखेंगे कि इसमें थर्ड में तो थ्री ईयर्स के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती है जबकि आपने देखा होगा कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल की कोई टर्म फिक्स नहीं है लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या एडिशन सॉलिसिटर जनरल के इनकी थ्री ईयर्स तक की हो सकती है टर्म और ये इनकी ड्यूटीज हैं वही ड्यूटीज हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो अटोर्न जनरल ऑफ इंडिया केस में अब इनकी रेट ऑफ़ फीस है देखिए रिटेनर फीस भी है बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपकी अगर उनको आपको पैनल पर रखना है रिटेनर फीस भी है जैसे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपकी अटोर्न जनरल ऑफ इंडिया के लिए सोलिस ट्वेंटी थाउजेंड है एडिशनल फिफ्टीन थाउजेंड है फिर अलग अलग देखेंगे आप जाके अगर, अगर अंडर आर्टिकल वन वन फोर्टी थ्री में आपके अगर ये लॉबस अपीयर हो रहे हैं आपके तो उसमें देखिए एट थाउजेंड पर केस और आपका स्पेशली पटिशन आपका वन थर्टी सिक्स आपका फाइव थाउजेंड पर केस तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने के लिए अब जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखें लॉब्स के, के। रिस्ट्रिक्शन वही है कि कोई भी वो एडिशनल काम करें करें के के नहीं करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे किसी भी कंपनी वगैरह में कोई अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे विदाउट परमिशन ऑफ इंडिया वो सारी चीज़ें अब ये मैंने लगा रखा है श्री बलदेव सिंह राज बलदेव राज महाजन ये हरियाणा गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल है ये हरियाणा की साइड से लिया है मोटो नेक्स्लाइड ये आपके डिप्टी एडवोकेट जनरल है आपके असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होती है और इनका ये पे स्किल फिक्स करके कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है दीज आर नॉट सिविल सर एंड नेक्स्ट स्लाइड पॉलिटी सजेशन ऑफ अटोर्नी जनरल तो अटोर्नी जनरल हमने देखा पास्ट कि इनका बेसिकली पॉलिटाइजेशन भी हुआ क्योंकि इनको ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन दैट द अटोन जल ने रिजाइन्स वन न्यू गवर्नमेंट इज फाउंड मैं बता दिया था एज ए कन्वेंशन अटोन जल ने सिलेक्टेड द गवर्नमेंट एंड एक्ट एज इट्स एडवोकेट हैं इज नॉट ए न्यूट्रल पर्सन तो न्यूट्रल तो नहीं सकता वो ऑब्वियसली जिसने अपॉइंटमेंट किया तो थोड़ा फेर तो होगा ही नेवरदलेस इट इज कॉन्स्टिशन अथॉरिटी हीज और हर ओपिनियन सब्जेक्ट टू द पब्लिक स्क्रिटनी तो पब्लिक देखता है सब पब्लिक सब देखती है जनता सब देखती है जनता सब समझती है ऑन सेवरल सेवर लोके ओपिनियन परस्यूड बाई द अटॉर्न जनरल ऑफ पियस टू हैवन एक्सट्रीमली पॉलिटिकाइज और फॉलोराइज यू कैन से अब जैसे एग्जाम्पल से आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी के टाइम में जब हंसराज खन्ना साहब जो लॉ मिनिस्टर ने उन्होंने ओपिनियन लिया ऑफिसल अटॉर्नजनल ऑफ इंडिया न निरन दे तो उन्होंने बोले कहाँ यस राइट टू लाइफ दैट कैन ऑल्सो भी सस्पेंडेड तो इट मीनस क्योंकि इंदिरा गांधी जी वो चाहते थे तो इन्होंने भी वही ओपिनियन दे दिया अब टू थाउजेंड फाइव की बात है कि जो आपके मिलन के बनर्जी साहब थे इन क्योंकि उसमें जो यू पी गवर्नमेंट थी तो वो मायावती जी को एक्जोनरेट करना चाह रही थी ताज कॉरिडोर केस में तो उन्होंने सी बी आई उन्होंने सी बी आई को ऐसे रिकमेंडेशन किया ऐसे सलाह दी गवर्नमेंट को भी कि नहीं वो सी में भी एक्जोनरेटेड और मायावती के अगेंस्ट के के केस क्लोज कर दिया और आप फिर आगे देखेंगे बोफोर्स स्कैंडल में भी जो आपके मिलन के बनर्जी थे ये ऑटो कट्टोरो वाले केस में भी इन्होंने बोला कि इन्होंने ऐसे ओपिनियन देखिए जिनसे डिवेल्यूइंग रोडिंग एक अटॉर्नी जनरल की जो हाई पोजीशन होती है वो बड़ी डीमीन हुई ऐसे ही आप देखेंगे कि नेक्स्ट केस में भी टू जी स्पेक्ट्रम केस में भी आपके जो उस समय देन वंती साहब जो अटॉर्नी जनरल थे तो उनको भी उनको तो आई थिंक वो हैज़ बिकम द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने एज ए करप्शन केस में ट्रायल कोर्ट में आके जो विटनेस टेस्टिफाई करना पड़ा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी पोलिटिसज रही है मोटो तो नेक्स्ट है एक ही इंडिका न्यूज़ का ये एक कटआउट मैंने लिया है हाउ शुड द अटॉर्निक जर्नल ऑफ इंडिया बिहेव एक अटॉनिक जर्नल जिसकी इलेवंथ पोजीशन आती है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में इज द फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो उसको क्रेडेंशियल उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ना अब देखिए जस्टिस कार्जू जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इन इन्हों, इन्होंने कुछ रिमार्क्स दिया है आ, ये मेरे अपने रिमार्क्स नहीं ये उनके अपने रिमार्क्स हैं तो उन्होंने लिखा आई मे गिव द टू एग्जाम्पल्स इन दिस कनेक्शन तो उन्होंने दो एक्जाम्पल देने की कोशिश की बट वो वेरी इंटरेस्टिंग तो पंडित कन्हैया लाल मिश्रा जो थे उत्तर प्रदेश के काफ़ी सालों से एडवोकेट जनरल रहे ए, एजी साहब जब सोलिटर जो सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बड़े फेमस लीडर हैं उनको अरेस्ट किया गया उन्होंने यूपी के किसानों को ये बोला था कि आपको जो ये वाटर रेट जो बढ़ाया गया है इसको नहीं देना है और उनको अरेस्ट कर लिया गया जब उन्होंने अपनी हिपस कॉर्पस पटिशन जो डाली अलाहाबाद हाई कोर्ट में तो ऑब्वियसली अब इतना पोलिटिसाइज मामला था तो एडवोकेट जनरल को अपील हुआ अपील होना पड़ा इस केस में वो गवर्नमेंट ने बोला होगा इंस्ट्रक्शन दी होंगी तो लोहिया डिसाइडेड टू और इस केस लेकिन लोहिया साहब बोले कि नहीं मैं अपना केस खुद फाइट करूँगा ही वॉज नॉट ए लायर प्रोफेशनल लायर तो पंडित मिश्रा का स्ट्रेचर देखिए कि वो गवर्नमेंट की तरफ से भी है फिर भी उन्होंने क्या किया कि जब वो जेल में थे तो जेल में जाना स्टार्ट किया और लोहिया साहब के पास जाके उन्होंने इंडियन यू के और यू एस ए के इंपॉर्टेंट केस लॉ जो उनको दिए कि आप ये पढ़िए और अपना केस स्ट्रॉग कीजिए और ये आप इलाहाबाद कोर्ट में साइड कर सकते हो क्योंकि आप अपना केस खुद डिपेंड कर रहे हो इससे काफ़ी लोग हैरान हरा, हुए है कि, कि जो मिश्रा साहब हैं वो आ, स्टेट के यूपी गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल साहब हैं और ये तो फिर सरकार हार जाएगी ऐसे केस अपील कर लेकिन उन्होंने एक बात कही ही सर द एडवोकेट जनरल का जो टास्क है नॉट टू विन द केस बट टू असिस द कोर्ट टू ले डाउन द करेक्ट व्यू और मैंने इसलिए हेल्प की क्योंकि वो प्रोफेशनल लॉयर नहीं थे ताकि वो अपने केस को अच्छे से डिफेंड कर सकें और हाई कोर्ट एक अच्छा जजमेंट दे पाए सो सी दिटी ऑफ द एडवोकेट जनरल वो टू द नेक्स्ट लाइड एक ये और केस है इसमें गोविंद स्वामीनाथन ये भी तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल साहब थे तो किसी स्टूडेंट्स का गलत एडमिशन की के, का केस था तो कोर्ट ने फिर आ, मामला थोड़ा पॉलिटिसाइज था तो इसलिए एडवोकेट जनरल को भेजा गया तो एडवोकेट जनरल साहब ने बहुत फ्रेंकली कोर्ट में एडमिट कर लिया कि यस ये, ये गवर्नमेंट ने गलत किया गवर्नमेंट से मिस्टेक हुई है तो और गवर्नमेंट ने अपेल्ट कर दिया गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिशन स्टूडेंट तो इस केस में तो यहाँ का जो आप बता रहे हैं कि जो अभी आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो जे एंड के में लगा हुआ है और अभी आपका जो आ, आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया है पार्शली तो उस केस में बता रहे हैं कि जो कश्मीरी जो लीडर्स हैं इनको जो लॉन्ग टाइम के लिए डिटेंशन डिटेंशन सेंटर में डाल रखा है उसके बारे में तो आई डोंट टू गो इन टू दैट डिटेल एज ऑफ नाउ लेकिन ये जो लास्ट की लाइन है ई दे डू सो द अटॉर्नी जनरल सॉलिसटर जनरल विल नॉट ओनली ऑनलीस देयर ओन रेपुटेशन बट विल आल्सो रिस्टोर द इमेज ऑफ द कोर्ट विच

आप सॉरी आपको सॉलिसटर जनरल ऑफ इंडिया एडिशन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और आपको अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इन चारों में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इनकी क्या ड्यूटीज़ है इनकी ट्रम क्या है कैसे इनका रिमअल प्रोसीजर है कैसे इनको लगाया जा सकता है आई होप आप लोगों लोग क्लियर हो गया और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए सटनली आई विल रिप्लाई दैट थैंक यू सो नाइस ऑफ यू गुड डे